लॉकडाउन के चलते निर्धन तथा मध्यम वर्ग परिवार को जहां रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, वहीं सरकार ने एपीएल श्रेणी के कार्ड धारकों को मिलने वाले चावल व आटे के कोटे में 500 ग्राम की कटौती कर दी है। पहले ये श्रेणी के उपभोक्ताओं को 6 किलो चावल तथा 12 किलो 500 ग्राम आटा मिलता था, परंतु मौजूदा दौर में कोटा बढ़ाने के बजाय कम कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश भर में ऐसे लाखों गरीब परिवार हैं जिन्हें गत वर्ष सरकार के विभिन्न पंचायतों द्वारा बीपीएल मुक्त बनाने के फरमान के चलते इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। अब ऐसे परिवार एपीएल श्रेणी या फिर पीएचएच श्रेणी में कवर होते हैं। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे लाखों लोगों को जहाँ एक तरफ निर्वासन का दंश भुगतना पड़ रहा है, वहीं परिवार के लिए दो वक्त की रोटी के लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए बीपीएल परिवारों को निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। साथ ही एपीएल परिवार तथा पीएचएच श्रेणी का कोटा भी तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। लॉकडाउन के चलते निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों को जहां एक तरफ दो वक्त की रोटी और रोजी के लाले पड़े हैं, वहीं सरकार ने एपीएल श्रेणी के जो कार्ड धारक हैं उनका जो मासिक राशन का कोटा है उसमें कटौती करके इस श्रेणी का जो गरीब वर्ग है उसके साथ कुठाराघात किया है। एपीएल श्रेणी के कार्ड धारकों को 12.5 किलो आटा और 6 किलो चावल प्रतिमाह दिए जाते थे, लेकिन सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों में भी 500 ग्राम की कटौती चावल में और 500 ग्राम की कटौती आटे में कर दी। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया जिसमें विभिन्न पंचायतों को बीपीएल मुक्त करने के लिए कहा गया, और इस अभियान के तहत बहुत से निर्धन परिवार जो दिहाड़ी मजदूरी से निजी क्षेत्र में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं, निर्धन हैं, लेकिन बीपीएल मुक्त पंचायतों को करने के अभियान के चलते बीपीएल श्रेणी से बाहर, अंत्योदय की श्रेणी से बाहर हो गए, पीएचएच की श्रेणी से बाहर हो गए, और वो लोग जब इन श्रेणियों से बाहर हुए तो वही लोग एपीएल की श्रेणी में गए, और अब इस श्रेणी के लोगों का राशन का कोटा कम करके सरकार ने उनके साथ अन्याय किया। लाखों हजारों लोग जो एपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से जहां एक तरफ निर्वासन का दंश झेल रहे हैं, वहीं अपने परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाने में बहुत कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एपीएल परिवार जो हैं उनका कोटा राशन का जो है बढ़ाया जाए, बीपीएल परिवार और अंत्योदय के जो कार्ड धारक हैं उनको निशुल्क राशन प्रदान किया जाए, और इसी के साथ एक योजना थी सरकार की ओपन मार्केट सेल, जिसके तहत जो चावल हैं जब कोटे से अधिक किसी को जरूरत पड़ती थी 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाते थे, उस योजना को भी सरकार तुरंत प्रभाव से चालू करे, प्रारंभ करे, ताकि कोटे से अधिक राशन की जरूरत पड़ने पर महामारी के दौर से जूझते समाज को सस्ती दर के ऊपर चावल जो है वो उपलब्ध हो सके। इसी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर सहकारी सभाओं के विक्रेता